जूनियर महिला पहलवानों को सता रहा किस बात का डर? बृजभूषण शरण सिंह से क्यों डरी महिला पहलवान? कुश्ती लड़ने के फैसले पर क्यों मचा बवाल? भारतीय कुश्ती संघ के ताजा चुनाव और उसके चुने हुए नए अध्यक्ष संजय सिंह को अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए कि खेल मंत्रालय ने पूरी टीम को ही निलंबित कर दिया। आखिर क्या वजह रही कि इतना बड़ा एक्शन इतनी जल्दी ले लिया गया? तो इसका जवाब है उन फैसलों में जो अध्यक्ष बनते ही संजय सिंह ने ले डाले। वही संजय सिंह जो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। सबसे पहले आपको साक्षी मलिक का वो ट्वीट दिखाते हैं जो उन्होंने महिला पहलवानों की असमंजस की स्थिति और डर को लेकर लिखा है। वो लिखती हैं, मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूँ। वो जूनियर महिला पहलवान क्या करे जो मुझे फोन करके बता रही है कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला लिया है। गोंडा बृजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी। क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। और अब उस ट्वीट के बाद सुनिए बृजभूषण का वो बयान जो उन्होंने संजय सिंह की जीत पर चौड़े में मीडिया को दिया था। अब जिसको संदेश लेना हो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। मतलब नए अध्यक्ष बनने के 24 घंटे के अंदर ही अपनी मनमानी के फैसले लेना शुरू कर दिए संजय सिंह ने, और इन फैसलों को लेकर खेल मंत्रालय से राय सलाह भी नहीं की। कहा जा रहा है कि इसी से नाराज खेल मंत्रालय ने इतना बड़ा और सख्त एक्शन ले लिया और नए अध्यक्ष संजय सिंह समेत पूरी टीम को हटाने का फरमान सुना दिया। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर पिछले 12 साल से काबिज थे। साल 2011 से लगातार 3 बार वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए। बृजभूषण शरण सिंह के अध्यक्ष रहने के दौरान देश के कई पहलवानों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया। बृजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगे। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब जंतर मंतर पर बजरंग पुरिया और साक्षी मलिक समेत देश के कई जाने माने पहलवान धरने पर बैठ गए। फिलहाल मामला कोर्ट में है, मगर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा इतना था कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया और आखिरकार जब कार्यकाल खत्म हुआ तब वो अपने पद से हटे। इसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। अब इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जूनियर महिला पहलवानों के मन में बृजभूषण को लेकर इतना डर और खौफ क्यों है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।